हेलो वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी आज हम कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि जनरली मेडिकल फील्ड में यूज़ किए जाते हैं और हम उन टर्म्स को देखते सुनते तो हैं पर समझ नहीं पाते क्या है वो सो लेट्स सी जो हमारा फर्स्ट टर्म है कार्टिलेज इट्स अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे हर्ट बोन्स और जॉइंट के एंड पे प्रेजेंट होता है जो कि स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है दो बोन्स के बीच में ताकि वहाँ पे किसी तरह का रबिंग ना हो रबिंग होने की वजह से वहाँ पे फिर वो बोन्स और जॉइंट डिस्ट्रॉय होने लगेंगे तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कार्टिल होते हैं नेक्स्ट टर्म्स है लेगामैन दे आर द टफ कनेक्टिव टिश्यू ये भी एक टफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं बोन्स को bones से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। Third term, tendons. हमने जनरली सुना ही क्या होते हैं ये क्या करते हैं मसल्स को बोन से अटैच करने में हेल्प करते हैं इट्स कंडीशन कैरेक्टराइज बाय देंस ऑफ द एनोक्सिया मीन्स होता है कि जब हमारी बॉडी में बिल्कुल ही ऑक्सीजन अप्सेंस हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनोक्सिया एट्रोपी मतलब कि यहाँ पे हमारे जो सेल का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है किसी भी डिसीज और डिसयूज की वजह से हाइपोक्सिया इट्स अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय द डेफिशेंसी ऑफ द ऑक्सीजन एपोक्सिया में हमने देखा था कि वहाँ पे एबसेंस है ऑक्सीजन का लेकिन हाइपोक्सिया में कमी हो जाती है लेकिन थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होता है प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता लेकिन कमी हो जाती है हाइपोग्लाइसीमिया इट्स अ कंडीशन ऑफ एबनॉर्मली लो ब्लड शुगर लेवल हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स यहाँ पे हमारे जो ब्लड का शुगर लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल लेवल के कंपेयर uh, में ओके okay. सैनप्स साइनेप्स क्या होता है जब दो न्यूरोस के बीच का जो जंक्शन होता है जहाँ पे न्यूरो ट्रांसफ़र होता है न्यूरो यानी कि नर्व इम्पल्स जनरेट करने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं ये एक दो न्यूरोस के बीच का जो गैप वो भी हो सकता है या फिर हम कह सकते हैं न्यूरो और मसल्स के बीच भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है तो उस गैप को भी हम सैनैप्स कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया इट्स अ कंडीशन ऑफ एब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपर हाइपो में कम हो जाता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल और हाइपर में क्या होता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है थैंक यू सो मच फॉर मोर कॉमन टर्म्स यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा एज वेल एज यूट्यूब ऑल्सो I will come with uh, more terms related to uh, pathophysiology and uh, human anatomy. Thank you.